कोरोना गाइडलाइन जारी होने और ठंड को देखते हुए नगर निगम ने की पूरी तैयारी। गोरखपुर में कोरोना संदर्भित गाइडलाइन जारी होते ही नगर निगम पूरी तरह मुस्तैद हो चुका है। नगर निगम ने कोविड 19 वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरी तैयारी कर ली है। इसमें 15 गाड़ियों से आवश्यक के दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है और छोटी गाड़ियों एवं साइकिलों से भी सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। अविनाश सिंह की बाइट। तीन हमारे रैन बसेरों को हमने पूरी तरह से सैनिटाइज कराना शुरू कर दिया है और इस वक्त हमने सबसे ज़्यादा सैनिटाइजेशन पे जोर दिया है। साथ ही साथ जो पूरे हमारे शहर में स्वच्छता को एकदम मतलब फुल प्रूफ करने के उद्देश्य से, साथ ही जो चूना और हमारा मेल्थियन के जो डस्ट का छिड़काव है, एंटी लार्वा का छिड़काव है, मतलब मुख्य रूप से सफाई पर और लोगों को जागरूक करने के लिए हमारी LED स्क्रीन पर हम लगातार चला रहे हैं कि एक सेफ डिस्टेंस आपस में मेंटेन करें, मास्क का प्रयोग हर समय करें, अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोते रहें। तो अभी ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कहावत है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो हम सभी लोगों को मिलकर खुद भी सावधान रहना है और दूसरों को भी सावधान करना है। तो निश्चित रूप से अगर हम सभी लोग सावधानी बरतेंगे तो निश्चित रूप से पिछले वर्षों का जो हमारा अनुभव रहा है उसी तरह से हम लोग जो है इस बीमारी से निजात पा जाएंगे। साथ साथ हमारे पास अभी कम से कम 15 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिसमें कि हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करने के लिए मशीन लगा रखी, पंप मशीन, और उससे अभी हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करा रहे हैं। धीरे धीरे इस पर जिस जिस जगह पर छुट्टी रहेगी, चाहे कमर्शियल एरिया हो चाहे वो रेजिडेंशियल एरिया हो, हम लगातार सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कराते जाएंगे, जिससे कि हम कोरोना के जो संक्रमण की जो चेन है उसको पूरी तरह से ब्रेक कर सके। गोरखपुर में ठंड को देखते हुए नगर निगम प्रशासन एक बार फिर से पूरी तरह मुस्तैद दिखा। भीषण ठंड की वजह से जगह जगह मिल रही शिकायतों को दूर करने के लिए नगर आयुक्त ने खुद अलाव व्यवस्था को जांचा परखा और बताया कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, विश्वविद्यालय और झूलेलाल मंदिर के पास रैन बसेरों के पास अलाव की व्यवस्था की गई है, जो जलता हुआ पाया गया है निरीक्षण के दौरान। और बाकी जगह से जो सूचनाएं मिल रही हैं, जिन जिन चौराहों पर अलाव की व्यवस्था होती थी वहां अलाव की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए टीम भी गठित की गई है। मुख्यमंत्री के आदेशानुसार कहीं किसी नागरिक को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसी कड़ी में नगर निगम प्रशासन पूरी तरह तैयारी कर चुका है। अलाव की व्यवस्था हो चाहे कम्बल वितरण की व्यवस्था, कम्बल वितरण किए जा रहे हैं। पार्षद प्रतिनिधियों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर और भी कम्बल मांगे जा रहे हैं जिन्हें वितरित किए जा रहे हैं। कल रात में मैंने खुद भी गया था, मैंने दो तीन जगह चेक किया था, जैसे कि हमारे रेलवे स्टेशन पर कल जो हमारा छात्रसंग वाला जो चौराहा है कचहरी बस स्टैंड के बगल में, वहाँ पर जो हमारा झूलेलाल वाला नगर पे जो हमारा रैन बसेरा वगैरह है वहाँ हम लोगों ने खुद चेक किया है। तो वहाँ कल ही मैं जो चेक किया उसमें सभी जगह हमने टाइम से अलाव जलते हुए पाए गए हैं। इन पॉइंट्स के अलावा हमने और भी जगह, जैसे जहाँ फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, जैसे कि रेलवे स्टेशन पे और संख्या बढ़ाई जाए, बस स्टेशन पे बढ़ाया जाए, या जो घनी बाजार हैं, घनी बस्ती में हैं, वहाँ पर भी इसको संख्या बढ़ा दी जाए, जिससे कि जो लोग ठंड में बहुत पड़ने लगी है तो उससे ठंड से बचाव अपना कर सकें। इसके साथ साथ भी नगर निगम में 5,000 से ऊपर कंबल आ चुके हैं, जो कि हमारे पार्षद साथीगण जो हैं उसको अपने स्तर से वो लोग उसको बंटवा रहे हैं, और ज़रूरत पड़ने पर हम लोग और भी इसकी व्यवस्था करेंगे। पूरा प्रयास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो इस संबंध में कड़े निर्देश हैं, कोई भी व्यक्ति खुले में सोने ना पाए और कोई भी ठंड से बचाव का उसको हर सुविधा उपलब्ध कराएं। सर, चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की जाएगी या नहीं की जाएगी? निश्चित की जाएगी और कर दी गई है। अभी कुछ संख्या हम धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अब की बार हम लोगों ने पिछले वर्ष की तुलना में जो JEE और AE होते हैं उनकी हमने दिनवार ड्यूटी लगा दी है कि वो JEE साहब रहेंगे, वो पूरा अपनी गैंग जो उनके मेट होते हैं, बेलदार होते हैं, उनकी पूरी टीम लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली में लकड़ियाँ, हाईवा में लकड़ियाँ लाद कर उसको ले जाके वहाँ गिरवाएंगे और उसको जलाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। तो इस पे लगातार निगाह भी रखी जा रही है और इस पूरे अलाव जलाने की जो प्रक्रिया है, अलाव जलाने का
उसके लिए चीफ इंजीनियर मुख्य अभियंता महोदय को प्रभारी अधिकारी बनाया। देखते रहिए अमेज नाउ। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस लंदन, एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 0551796013। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।